बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा में मौलिक चिंतन पर बल देकर मूल पहचान को समझने तथा सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति दृढ़ रहने का मार्ग दिखाती है। मातृभाषा में शिक्षा होने, अपनी मूल संस्कृति व पहचान पर गौरव की अनुभूति होने पर ही शिक्षा के मूल तथा व्यवहारिक राष्ट्रीय व सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रोफेसर सिंह रविवार को महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूषण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसका क्रियान्वयन विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। महाविद्यालय के बीएड विभाग तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमें लैब से लैंड तक की यात्रा का लक्ष्य लेकर समुदाय की सहभागिता भी सुनिश्चित करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मंत्र है सेवा की दृष्टि से शिक्षा ग्रहण करना। यह नीति बहुविषयक शिक्षण व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए हमें संकुचन से विस्तार की ओर ले जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थी में अंतर्निहित शक्तियों को पहचानने और उसके अनुरूप कौशल विकास के लिए कई विकल्प हैं। प्रोफेसर सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ का स्मरण करते हुए कहा कि यह तीनों ही महापुरुष राष्ट्रवादी शिक्षा के पक्षधर थे। 1967-68 की तत्कालीन शिक्षा नीति को लेकर महंत दिग्विजयनाथ ने इसलिए ऐसा मत व्यक्त की थी कि वह नीति राष्ट्रवादी शिक्षा के प्रतिकूल थे। उसमें मातृभाषा और बालिकाओं की शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के विचारों का समावेश दिखता है। उन्होंने कहा कि दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में हुए मंथन से निकले अमृत से सभी शिक्षा संस्थान लाभान्वित होंगे। संगोष्ठी के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्त ने कहा कि अपना देश आजादी मिलने के बाद से 75 वर्षों तक शिक्षा व्यवस्था में औपनिवेशिक मानसिकता से त्रस्त रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी मानसिकता से मुक्त कराने का प्रयास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें अपने मूल संस्कृति व पहचान व परंपरा का स्मरण करा रही है। शिक्षा का महत्व सांस्कृतिक अस्मिता के जागरण के लिए होता है और यह नीति गुलामी के हर चिन्ह को मिटाते हुए इसी जागरण का प्रयास है। प्रोफेसर गुप्त ने कहा कि राष्ट्रीयता से ओतप्रोत शिक्षा के क्षेत्र में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का अद्भुत योगदान है। 1932 में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ द्वारा स्थापित इस परिषद का शैक्षिक अभियान पूर्व में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ तथा वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अनवरत गतिमान है। इस अवसर पर मार्गदर्शक उद्बोधन में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को विश्व गुरु बनाने का विजन है। इस विजन को एक्शन में बदलने की आवश्यकता है और यह तभी संभव होगा जब हम इसे एक मिशन के रूप में लें। विजन के अनुरूप एक्शन लेने का मिशन शुरू करने के लिए हमें क्रिएटर की भूमिका में आना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के महत्व को समझते हुए ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ 1932 में ही क्रिएटर की भूमिका में आ गए थे। उनके बाद इस भूमिका का निर्वहन महंत अवैधनाथ ने किया। वर्तमान में उसी भूमिका के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी मोर्चों पर आगे ले जा रहे हैं। समापन सत्र में संगोष्ठी के संयोजक सचिव महाराणा प्रताप महाविद्यालय में बीएड विभाग की अध्यक्ष शिप्रा सिंह ने दो दिनों में विषय पर हुए मंथन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। संचालन महाराणा प्रताप महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध कुमार मिश्र ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक भगवती सिंह, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारी सदस्य, शिक्षा परिषद के सभी संस्थानों के प्रमुख, शिक्षक, शोधार्थी व छात्र मौजूद रहे। संगोष्ठी में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय की आचार्य प्रोफेसर सुषमा पांडे की अध्यक्षता में आयोजित तृतीय तकनीकी सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर कई शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इस सत्र के विषय विशेषज्ञ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी मिश्रा रहे। सह अध्यक्षता गोरखपुर विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने की। प्रतिवेदक की भूमिका महाराणा प्रताप महाविद्यालय की सहायक आचार्य डॉक्टर दिव्या पांडे ने निभाई, जबकि संचालन डॉक्टर विभा सिंह ने किया।
चौथे तकनीकी सत्र की अध्यक्षता शकुंतला मिश्रा, पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में शिक्षा संकाय के डीन डॉक्टर रजनी रंजन सिंह ने की। विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी व डॉक्टर विवेक नाथ त्रिपाठी ने अपनी बात रखी। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर अपनी कार्य योजना भी प्रस्तुत की। तकनीकी सत्र में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व चेयरमैन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डीपी सिंह ने कहा कि जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर पाना असंभव नहीं है। इसके लिए जरूरत अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचान कर सही दिशा में आगे बढ़ने की है। उन्होंने बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए समर्पित भाव से जुटने की सीख दी।